नमस्कार दोस्तों, परिधि ऑटो रवि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कैसे हम लोग किड्स का मग का डिज़ाइन बनवाएंगे और उसका टेम्पलेट किस तरह से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहे तो देखने और साथ में साथ आपको मिलने वाला है कुछ किड्स का मग का PhD टेम्पलेट जो कि बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जो कि लगभग 25+ PhD होंगे, तो इसका इस्तेमाल करके आप खूबसूरत मग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड भी मिलेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद हम यहाँ पे न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हम यहाँ से एक कोई भी ब्लैंक ले लेते हैं, जैसे टाइप करना हम लोग को वीच चाहिए, हम लोग को वीच चाहिए होगा 8.5 और यहाँ पे आपको चाहिए हो गया हाइट्स 3.75। तो इस तरह से हम 300 में कर लेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा टेम्पलेट तैयार है, देखिए रेडी हो गया है। और इस पर हम बैकग्राउंड को लेकर आना है, तो बैकग्राउंड के आप यहाँ से कुछ भी एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड में ग्रेडियंट के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ से ड्रैग करना, इस तरह से ग्रेडियंट बैकग्राउंड फिल हो गया। अब मैं कुछ इस पर शेप ऐड कर लूँगा यहाँ पे लेयर्स में जाके, तो मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से जैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस तरह से, मैं एक बेसिक से बना दूँ। आप कोई बैकग्राउंड इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं एक बेसिक से कैसे बनाया था वो दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आप बेसिक बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ से स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ से अपने पसंद का स्ट्रोक चूज़ कर ले, कलर वगैरह जो भी हो। मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ कितना मोटा पतला रखना होगा, आप एडजस्ट कर ले देख लेंगे। बारी बारी से इनसाइड रखना या आउटसाइड रखना वो भी कर लेंगे आप। तो मैं आउटसाइड कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका बैकग्राउंड के साथ ये आ गया। अब इसमें कुछ क्लिप आर्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। मैं जस्ट सिंपल दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। तो अब इसमें हम एक फ़ोटो ऐड करके देते हैं और कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। तो फ़ोटो को लेकर आना है आपको, यहाँ से कोई भी पसंद का फ़ोटो ले लो। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ ये फ़ोटो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इसके ऊपर। ड्रैग एंड ड्रॉप होने के बाद आप इसको जस्ट यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसको क्लिप ऐड क्लिपिंग मास्क में क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना, तो इस तरह से अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे। इसका ब्राइटनेस वगैरह का एडजस्ट करना है तो लेवल वगैरह तो एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ब्राइटनेस कॉन्टेस्ट एडजस्ट करना है तो भी कर सकते हैं आप। फोटो कैसे आप कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर में आपको एक और फोटो डाल कर देखा था यहाँ पर मास्किंग करके। तो जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटो को, जो भी आप मास्किंग करना चाहते हैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, फोटो को सेट कर ले प्लेस के प्लेस पे। इस तरह से सेट करने के बाद इसे एंटर कर दे और इसे लेयर के पीछे तब ले जाएँ तो कंट्रोल और ब्रैकेट ओपन को क्लिस तो नीचे तब जाते जाएगा इस तरह से, तब नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करना है मास्किंग में, तो यहाँ से ऐड मास्किंग हो जाएगा। अब बी प्रेशर का ब्रश लेकर आप इसका साइज को बढ़ा के थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, तो इस तरह से फोटो ऐड हो जाएगा इस तरह इसके अंदर। अब इसके हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, तो लेयर ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ले लेंगे, यहाँ से कुछ भी लिख देंगे। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से हम वाइट कलर ले लेते हैं, कोई भी प्लेन कलर एक ले लेते हैं जो कि लाइट में देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैप्पी। इस तरह से लिख दिया और इसे हम सेट कर लेंगे अपने इच्छा अनुसार। यहाँ पे फॉन्ट को चूज़ कर लेंगे, जो भी फॉन्ट हमें चाहिए होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से ऐसे नॉर्मल एक फॉन्ट ले लेता हूँ इस तरह का, और थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए बीच वाले को चूज़ करेंगे। यहाँ पे साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरह से, तो देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और हम इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टमेंट करना होगा आपको दोनों
फोटो के बीच की गैप को तो इस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके आप वो भी कम कर सकते हैं इस तरह से। तो क्रिएटिविटी आपके ऊपर है दोस्तों, जैसे चाहे आप वैसा आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे आप इच्छा अनुसार बड़ा छोटा करके सेट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका ओपेसिटी को कम कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। यहाँ ब्लैंक खाली एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पर हम चाहे तो कुछ अपना क्लिपिंग मार्क्स ऐड वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिपिंग मार्क्स कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ, तो आप कोई भी एक क्लिपिंग मार्क्स यहाँ से चूज़ कर लें और इसे आप आसानी से यहाँ से डाल दें ताकि डिजाइन देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह से कुछ भी आप क्रिएटिव डाल सकते हैं। और इसे बैकग्राउंड को नीचे तब ले जाएंगे लेयर के, तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। और यहाँ से हम इसका ओपेसिटी वगैरह जो भी एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार इस तरह से। तो आप इसे कॉपी करके इस तरफ भी डाल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे ये सब थोड़ी थोड़ी सजावट के लिए है दोस्तों, आप जैसा चाहे वैसे सजा सकते हैं। बस रफली आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। डाउनलोड कर लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकती है। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलने वाले हैं, 25 टेम्पलेट्स होंगे, 25 प्लस टेम्पलेट्स जो कि फ्री में मिलने वाले हैं। और किड्स के मॉडल डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया हूँ वीडियो में किस तरह से बनाना है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि पासवर्ड वीडियो के अंदर 3 पार्टें मिलेगा, जिससे आप स्टार्ट करके आप टेम्पलेट को यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट है हमारा, ये PHD का इस्तेमाल में ले सकते हैं। देखिए इस तरह का PHD आपको मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाया था कैसा PHD सैंपल आपको मिलने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह का सैंपल आपको मिलने वाला है PHD टेम्पलेट। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है, रेफरी डिज़ाइन बना हुआ है, बस आपको यूज़ में लेना है। जितना ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक और वाइट के रूप में, वहाँ पे आप फोटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया मास्किंग के जरिए या फिर क्लिपिंग मास्क के जरिए आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। बस फोटो को ऐड करना है और कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना है, बस आपका मग तैयार हो जाता है चुटकियों में। तो देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों। डाउनलोड कर लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई सुझाव है या कोई नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। हमें वीडियो से क्या लाभ मिलता है या कोई सुझाव वगैरह वो भी आप बता सकते हैं दोस्तों। डाउनलोड कर लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो इसे पासवर्ड के जरिए आप इसे एक्सट्रैक्ट करके इस डाउनलोड का इस्तेमाल में ले सकते हैं, जो कि मकड़ी है ना आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, साथ ही साथ नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।